न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की उपलब्ध कराई धनराशि। कहा, उपलब्ध होगा स्वरोजगार, स्वावलंबी बनेंगी महिलाएं। लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे नेपाली नागरिकों और नेपाल में फंसे भारतीयों के आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू। सोरौली बॉर्डर से प्रतिदिन 400 से 500 लोगों का हो रहा है एक्सचेंज। एडीजी ने कहा, लॉकडाउन में जनता करे सहयोग जिससे मिल सके कोरोना महामारी से निजात। मंडलायुक्त ने बताया, मंडल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 61, जबकि 4 मरीजों की हो चुकी है मौत। अब तक 15 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर, मरीजों के इलाज की है समुचित व्यवस्था। पूर्वोत्तर रेलवे 1 जून से चलाएगी 200 सामान ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, 21 मई से शुरू हो चुकी है टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। यात्रियों को करना होगा कोरोना से बचाव के नियमों का पालन। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर 22 मई से ऑरेंज जोन के जिला न्यायालयों को खोलने जाने की मिली अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा मुकदमों का निस्तारण। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने दी जानकारी। मंडलायुक्त और डीआईजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निगरानी समिति की बैठक। आतंकवाद विरोधी दिवस पर महाराजगंज के शहीद सीआरपी जवान पंकज त्रिपाठी के माता पिता एवं उनकी पत्नी को दिए 11-11 लाख रुपए के चेक। डीएम और एसएसपी ने किया कसरोल बॉर्डर चेक पोस्ट का निरीक्षण। वाहनों की चेकिंग कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के कई प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर विजय चौक स्थित लक्ष्मी बेकर्स को किया सील। विशाल मेगा मार्ट को दी कड़ी चेतावनी। आतंकवाद विरोधी दिवस पर एडीजी दवा शेरपा ने अपने कर्मचारियों को दिलाया आतंकवाद विरोधी शपथ। कहा, देश और समाज के लिए आतंकवाद का विरोध करें युवा, देश सेवा में करें सहयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गुरुवार को 24,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 20 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका डिटेल नोट करने के बाद परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। श्रमिकों ने घर वापसी पर सीएम योगी को दिया धन्यवाद। कोविड-19 की रोकथाम और आगामी त्योहार को लेकर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई बैठक। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोविड-19 की रोकथाम के लिए महापौर सीताराम जायसवाल ने सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन छिड़काव के लिए 70 मशीनों का किया वितरण। अपने अपने वार्ड में संबंधित सफाई कर्मी के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव कराने के दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कार्यालयों में मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ध्यान। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष एवं सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर दिलाई गई शपथ। महानगर में बने सभी हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन को लगातार किया जा रहा सैनिटाइज। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने दी जानकारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष आतंकवाद निरोधी दिवस पर आयोजित किया गया शपथ ग्रहण समारोह। एसपी साउथ ने पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। महापौर द्वारा 70 वार्डों के पार्षदों को नगर निगम के सभागार में बुलाकर बैटरी चालित स्प्रेइंग मशीन के वितरण के दौरान नगर निगम परिवर्तन दल की टीम से हुई झड़प। नगर आयुक्त द्वारा जांच कर कार्रवाई के आश्वासन के बाद माने पार्षद। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए स्काउट गाइड के कार्यकर्ता कर रहे हैं कार्य। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कर रहे हैं जागरूक। महानगर के शेखपुर वार्ड में गुरुवार को कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पुष्प वर्षा करके किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त ने कहा, कोरोना की जंग में सफाई कर्मियों की है महत्वपूर्ण भूमिका। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को यूथ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने रक्तदान करके मनाई पुण्यतिथि। और लॉकडाउन के चौथे चरण में गुरुवार को भी महानगर में दिखी चहल पहल। सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों से की अपील, बहुत आवश्यकता पर ही मास्क लगाकर निकले घर से बाहर।